किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और इसी विद्युत धारा से बल्ब उज्जवल होता है। हम जानते हैं कि आवेश धातु से बने तारों में हमेशा मौजूद रहता है, तो फिर बल्ब के उज्जवल होने के लिए परिपथ में बैटरी लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बैटरी में ऐसा क्या है कि जब हम उसे परिपथ में लगाते हैं तो बल्ब उज्जवल हो जाता है? बल्ब के उज्जवल होने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये विभवांतर क्या होता है, चलिए इसे उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने समतल पक्के फर्श और ढलाव पर पानी डाला है? क्या दोनों परिस्थितियों में पानी एक ही तरह बहता है? जवाब है नहीं। ढलाव पर पानी जब तक सबसे नीचे की तरफ न पहुंच जाए तब तक बहता रहता है, और इसके विपरीत समतल फर्श पर एक समय बाद वे बहना बंद हो जाता है। ढलाव पर हमने कोई बल्ब भी नहीं लगाया तब भी पानी खुद ब खुद नीचे पहुंच जाता है, जबकि समतल फर्श पर बल्ब लगाने के बावजूद पानी का बहना बल्ब के खत्म होते ही रुक जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर है जिस कारण पानी के साथ ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल ठीक समझे, ऊंचाई में अंतर के कारण ढलाव पर गुरुत्वाकर्षण एवं पानी के अणुओं का एक दूसरे पर बल लगा, जिस कारण पानी नीचे तक आ गया। इसी प्रकार समतल फर्श की जगह एक पानी का पाइप लिया जाए और उसमें पानी कुछ इस तरह हो, तो क्या नल की टूंटी खोलने पर हमें पानी मिलेगा? नहीं, जब तक पीछे से कोई बल नहीं लगेगा या यूं कहे कि कोई दबाव नहीं बनेगा, तब तक हमें पानी आता नजर नहीं आएगा। इसी दबाव को बनाने के लिए पानी के पाइप को एक पानी की टंकी से जोड़ा जाता है। टंकी में ज्यादा पानी होने के कारण पाइप के मुंह में ज्यादा दबाव बना रहता है, और जैसे ही हम नल खोलते हैं, जहाँ दबाव कम होता है पानी ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है। यहाँ भी ढलाव की ही तरह ऊंचाई के अंतर के कारण इस दबाव में अंतर आता है। तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि पानी के गमन करने के लिए दबाव में अंतर होना आवश्यक है। इस चित्र में यदि पानी के पाइप को एक धातु के तार और पानी की टंकी को एक बैटरी से बदल दिया जाए तो हमें कुछ इस तरह का चित्र मिलता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के गमन करने के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है, तो बैटरी के दूसरे छोर को बल्ब से जोड़ देते हैं। विद्युत भी इसी उदाहरण की तरह है। विद्युत धारा के गमन करने के लिए जरूरी है कि परिपथ में दबाव के अंतर की ही तरह एक अंतर उत्पन्न हो, जिस अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलता है, उसी प्रकार विद्युत धारा भी ज्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वह विभवांतर कहलाता है। बैटरी में रसायन प्रक्रियाओं के कारण हमें ये विभवांतर प्राप्त होता है। विज्ञान की भाषा में एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वी के चिन्ह से दर्शाते हैं और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। एक वोल्ट एक जूल और एक कूलम का अनुपात होती है। विभवांतर को वोल्टमीटर नामक एक उपकरण की मदद से मापा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में पैरेलल या समानांतर क्रम में लगाते हैं। अलग अलग वोल्ट की बैटरीज बाजार में उपलब्ध होती है। आने वाली वीडियोस में हम विभवांतर से जुड़े और नियमों के बारे में करीब से जानेंगे।